महाराज सैनिकों से कहिए कि वो पीछे हट जाएं। हम आपको सब सच्चाई बताते हैं महाराज। सैनिकों क्या सच्चाई बताएंगे आप हमें महामात्य प्रलयंकर जी? आपका सत्य सबके समक्ष आ चुका है। प्रलयंकर तुम दोनों का भेद खुल चुका है क्योंकि मैंने तुम्हारे बीच की वार्तालाप सुन ली थी कि आज रात्रि महाराज शुवांशु की अंतिम रात्रि होगी और इसीलिए मैंने ये सारा चक्रव्यूह रचा जिसमें तुम दोनों फंस गए। क्यों पंडित रामकृष्णा क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आपकी हमसे क्या शत्रुता है? हम तो सदैव आपका साथ देते आए हैं और अभी भी हम आपका ही साथ दे रहे थे। महाराज राज्य के प्रति निष्ठावान होने का क्या यही परिणाम है? आप कहना क्या चाह रहे हैं? यही राजगुरु कि हमने जो कुछ भी किया पंडित रामकृष्णा के कहने पर किया ताकि राज्य पर आया हुआ यह संकट टल जाए और हमें हिमडोंग के महाराज को कोई भूमि ना देनी पड़े। इन्होंने हमसे कहा था कि इन्होंने एक योजना बनाई है कि हम मऊ के पास जाएं और उसे प्रलोभन दें, उसे उकसाएं ताकि वो महाराज का वध कर सके और उसके पश्चात हम उसे बंदी बना रहे ताकि राज्य पर आया हुआ यह संकट टल जाए। क्यों पंडित रामकृष्ण? स्वयं को बचाने के लिए असत्य बोल रहा है ये महाराज। एक क्षण पंडित रामकृष्ण, ये भी तो हो सकता है कि आप असत्य कह रही हो। संभव है कि स्वयं को बचाने के लिए आप इन सबको फंसा रही हैं। गुरुवर बिना साक्ष्य के किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। सत्य वचन महाराज, किंतु उस अनुबंध पत्र का क्या? उस अनुबंध पत्र पर पंडित रामकृष्ण के हस्ताक्षर का क्या? महाराज क्या ये सब बातें इस ओर संकेत नहीं दे रही हैं कि पंडित रामकृष्ण हिमडोंग राज्य से हाथ मिला चुके हैं? पर महाराज एक बात और, पंडित रामकृष्ण अब तक स्वयं पर लगे आरोप को अनुचित सिद्ध नहीं कर सके। यदि एक उंगली महामात्य की ओर उठा रहे हैं तो तीन उंगलियां स्वयं इनकी ओर उठ रही हैं। महाराज शुवांशु की चुप्पी हमारा संदेह और बढ़ा रही है। महाराज हम सत्य कह रहे हैं, हम निर्दोष हैं महाराज। गुरुवर अभी इसी क्षण राज दरबार लगाया जाए, आज इस बात का निर्णय होकर रहेगा। यदि पंडित रामकृष्ण स्वयं को निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाए तो महामात्य प्रलयंकर द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर इन्हें दंडित किया जाएगा। महाराज ये जो पंडित रामकृष्ण यहाँ खड़े हैं, ये पंडित रामकृष्ण मात्र एक नाम नहीं है अपितु राष्ट्र प्रेम की चलती फिरती सजीव मिसाल है, जिन्होंने सदैव राष्ट्र के हित के लिए कार्य किया है। यदि विजयनगर साम्राज्य आकाश है तो उस आकाश का चमकता हुआ सूर्य है ये पंडित रामकृष्ण। किंतु महाराज सूर्य पर भी ग्रहण लग ही जाता है, उसी प्रकार पंडित रामकृष्ण पर भी ग्रहण लग चुका है। हिमडोंग के साथ भूमि के अनुबंध पत्र पर इनके हस्ताक्षर का मिलना और अब हिमडोंग के महाराज की हत्या का षड्यंत्र रचना, ये एक अक्षम्य अपराध है महाराज। और जिसके प्रमुख आरोपी हैं हमारे प्रिय पंडित रामकृष्ण। हमें एक बात और ज्ञात हुई है महाराज, आज पंडित रामकृष्ण के निवास पर यह मऊ विभिन्न प्रकार के ढेरों उपहार लेकर गई थी। क्यों है इसका क्या अर्थ निकाला जाए महाराज? पहले भी
हिमडोंग से धन प्राप्त करने का आरोप पंडित रामाकृष्णा पर लग चुका है, तो क्या यह संभव नहीं है कि पंडित रामाकृष्णा ने महामात्य को अपनी बातों में बहलाकर फुसलाकर इस योजना में सम्मिलित कर लिया हो और हिमडोंग के महाराज की हत्या का षड्यंत्र रचा हो, जिससे कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और जब महाराज ही स्वर्ग सिधार जाएंगे तो भूमि विवाद ही समाप्त हो जाएगा, और जब भूमि विवाद ही समाप्त हो जाएगा तो कौन करेगा पंडित रामाकृष्णा से प्रश्न? पंडित रामाकृष्णा, अब किसी से कुछ नहीं छिपा है, सबको ज्ञात हो चुका है कि विजयनगर की भूमि हिमडोंग को सौंपने में आपका हाथ है और हिमडोंग के महाराजा की हत्या के षड्यंत्र के सूत्रधार भी आप हैं। पंडित रामाकृष्णा, हमारा हृदय कहता है कि आप पर लगे सभी आरोप मिथ्या हैं, निरर्थक हैं, परंतु आपका यूं प्रत्येक आरोप के उत्तर में शांत रहना, मौन रहना हमारे हृदय को भयभीत कर रहा है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? महाराज, मैं दोषी हूं। मुझ पर लगे सारे आरोप मैं स्वीकार करता हूं। पंडित रामाकृष्णा। प्रणाम महाराज। अच्छा हुआ आप हमें यहीं मिल गए। हमने अपनी रानियों से कहा है कि आज हम भी उनसे कोई पहेली पूछेंगे। अब आप ही हमें कोई पहेली बताइए। महाराज, ये तो आपने एकदम सही समय पर बात की। मैं आज की पहेली ही पूछने वाला था। आप यही पहेली महारानियों से भी पूछ लेना। तो मित्रों, आज की पहेली है, हरा हूँ पर पत्ता नहीं, नकलची हूँ पर बंदर नहीं, पूछो मेरा नाम से ही। महाराज, आप ये पहेली महारानियों से पूछिए और आप सभी को इसका उत्तर मैं धारावाहिक के अंत में दूंगा। महाराज, मुझ पर लगे सारे आरोप मैं स्वीकार करता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित रामाकृष्ण? वही जो सत्य है महाराज, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने ही धन के लोभ में महारानी के साथ साठ गांठ बनाकर विजयनगर की भूमि हिमडोंग को बेची थी। ये पंडित रामाकृष्ण को क्या हो गया? ये असत्य क्यों कह रहे हैं? क्या चल रहा है इसके मस्तिष्क में? और हिमडोंग के महाराज की हत्या का षड्यंत्र भी मैंने ही रचा था, जिसमें महामात्य मेरे साथ थी। महाराज, आज तक मैंने जितनी भी देश विरोधी गतिविधियां की हैं, जितनी भी योजनाएं रची हैं, उसमें महामात्य सदैव मेरे साथ सम्मिलित रहे हैं। मेरी ये योजना थी कि विजयनगर की प्रजा का और स्वयं महाराज आपका मुझ पर इतना विश्वास है, तो मैं समय आने पर सारा दोष महामात्य के सर पे मढ़ दूंगा और स्वयं बच निकलूंगा। किंतु अब तो सारा भेद खुल गया है। अतः मैं यही कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी किया गया है वो हम दोनों ने मिलकर किया है, इसलिए दंड के भागीदार हम दोनों ही हैं महाराज। ये पंडित रामाकृष्णा क्या कह रहे हैं? महाराज, असत्य कह रहे हैं ये। इन्होंने जो कुछ भी हमारे विषय में कहा सब असत्य है। हम इनके साथ किसी भी कृत्य में सम्मिलित नहीं थे। पहले अंकर, अब इन बातों का क्या लाभ? सत्य सबके समक्ष आ चुका है। महाराज, हिमडोंग राज्य के साथ जो अनुबंध हुआ, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, वो पढ़ा सबने है, किंतु ध्यान पूर्वक नहीं। मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ कि विजयनगर की भूमि हिमडोंग को देने की योजना में महामात्य भी मेरे साथ सम्मिलित थे। आपके कहने का तात्पर्य क्या है पंडित रामाकृष्ण? गुरुवर, उस अनुबंध पत्र में बहुत ही लघु अक्षरों में एक ऐसा उल्लेख किया गया है जिसे पढ़कर ये सिद्ध हो जाएगा कि उस योजना में महामात्य मेरे साथ थे। अतः मैं हिमडोंग महाराज से ये विनती करूंगा कि वो अनुबंध पत्र इस दरबार में प्रस्तुत करने की कृपा करें।
धन्यवाद। ये देखिए महाराज, इसमें स्पष्ट शब्दों में ये उल्लेख किया गया है कि जिस विजयनगर की भूमि को हिमडोंग को दिया जा रहा है उसके बदले में 5 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं 5 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं पंडित रामाकृष्णा को और 5 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं महामात्य प्रलयंकर को दी जाएंगी। अब बताइए, क्या अब भी किसी को संदेह है कि मेरी योजना में महामात्य मेरे साथ शामिल नहीं थे? असत्य कह रहे हैं, ये सब असत्य है महाराज। ये हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने किसी से कोई स्वर्ण मुद्राएं नहीं ली महाराज। हम इनके साथ किसी भी कुकृत्य में सम्मिलित नहीं थे। ये हमें फंसा रहे महाराज। प्रलयंकर, मैं फंसा नहीं रहा, अपितु हम दोनों फंस चुके हैं। चलिए ठीक है महाराज, मैं असत्य कह रहा हूँ, किंतु ये अनुबंध पत्र तो असत्य नहीं कह रहा ना। इस पर लिखित अक्षर तो असत्य नहीं कह रहे ना। असत्य है ये, ऐसा कुछ नहीं लिखा है इस अनुबंध पत्र में। ठीक है, ठीक है महाराज, मैं असत्य कह रहा हूँ, किंतु गुरुवर से पूछते। देखिए इसे, इस अनुबंध पत्र को देखिए, पढ़िए, बताइए इसमें क्या लिखा है। क्या इसमें वो नहीं लिखा जो मैं सबके समक्ष कह रहा हूँ? बताइए, इसमें ये नहीं लिखा कि हम दोनों को ही 5 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दी गई थी? इस पर ऐसा ही वर्णित है। आप राजगुरु होकर असत्य कह रहे हैं? ये लो, अब राजगुरु भी असत्य कहने लगे। उचित है, कोषाध्यक्ष से पूछकर देखता हूँ महाराज। कोषाध्यक्ष कहाँ है? यहाँ है। कोषाध्यक्ष जी, पढ़िए पढ़िए और बताइए कि ये इसमें वो नहीं लिखा जो मैं अभी सबके समक्ष बोल रहा था। महाराज, इसमें भी तो यही लिखा हुआ है। असत्य है ये महाराज, हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये सब असत्य कह रहे हैं महाराज। अच्छा, हम सब असत्य कह रहे हैं, एकमात्र तुम ही सच्चे हो? हाँ हाँ, हम सच्चे हैं। अच्छा, मैं कैसे मान लूं कि तुम सच्चे हो? महाराज कैसे मान ले कि तुम सच्चे हो? ये पूरा दरबार कैसे मान ले कि तुम सच्चे हो, बताओ? क्योंकि हमें पता है कि इस अनुबंध पत्र में ये नहीं लिखा है। अरे तुम्हें कैसे पता कि इसमें ये नहीं लिखा है, जबकि तुमने अनुबंध पत्र पढ़ा ही नहीं है? हाँ, तुमने अनुबंध पत्र पढ़ा ही नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता इसमें क्या लिखा है? क्योंकि अनुबंध पत्र हमने ही पढ़ा है, और हमने ही इस पर तुम्हारे नकली हस्ताक्षर भी किए थे। अब मैंने माना कि तुम सच्चे हो, क्योंकि अब तुमने सत्य कहा कि ये अनुबंध पत्र तुम्ही ने तैयार करवाया था, और इस पर मेरे झूठे हस्ताक्षर भी तुम्ही ने किए थे। एक क्षण। समस्या विकट रामा प्रकट। इस पुस्तक को तो अवश्य पहचानते होगे, तुम्हारी ही है। महाराज, अब मैं आप सबको एक जादू दिखाता हूं। महाराज, यही वो पुस्तक है जिसके पन्नों पर मेरे हस्ताक्षर बनाने का अभ्यास ये कई माह तक करते रहे। ये पुस्तक इन्हीं के कक्ष में मिली है जब मैं साक्ष्य की तलाश में इनके कक्ष में गया था। अद्भुत पंडित रामाकृष्णा, अद्भुत। आपने अपनी बुद्धि और चातुर्य से न केवल स्वयं को निर्दोष सिद्ध किया, अपितु प्रलयंकर जैसे सर्प से भी विषैले शत्रु का भेद सबके समक्ष उजागर कर दिया। पंडित रामाकृष्णा की जय! पंडित रामाकृष्णा की जय! पंडित रामाकृष्णा की जय! महाराज, इस कार्य में मेरी सहायता गुरुवर और कोषाध्यक्ष दोनों ने की, क्योंकि वो भी अपने राज्य के प्रति निष्ठावान हैं। गुरुवर, आप इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहेंगे? कहना तो है महाराज, किंतु महामात्य नहीं, इस प्रलयंकर से, जिस राज्य ने तुम्हें मान दिया, सम्मान दिया, महामात्य जैसा सम्मानित पद दिया, तुमने उस राज्य को क्या दिया? तुमने ही नहीं, तुम्हारे पिता ने भी राजद्रोह किया।
और तुम्हारे पिता के दुष्कर्मों को भुलाकर महाराज ने हमने हम सब ने तुमको अपने हृदय से लगाया। तुमने क्या किया? अरे प्रियंकर, तुमने मात्र विजयनगर को ही नहीं अपनी भोली भाली बहन को भी चला है उसे। हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। तुम्हारे कारण आज हमारी पुत्री हमसे बिछड़ रही है। तुम्हारे पापों को भोगने के लिए वो सब कुछ त्याग कर वो वन में तपस्या करने के लिए जा रही है। कपटी, धोखेबाज, देशद्रोही! महाराज, राष्ट्रद्रोह के आरोप में इस प्रियंकर और इस मऊ को कठोरतम कारावास का दंड दिया जाए। राजा और राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के आरोप में इन दोनों को आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है। सैनिकों, प्रलयंकर, इससे पूर्व के सैनिक तुम्हें ले जाएं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मुझे ज्ञात है ये पहला अवसर नहीं है जब तुमने राज्य विरोधी गतिविधियां की। इससे पूर्व भी सिंहासन की लालसा में अंधे होकर तुम महाराजा अकबर के साथ षड्यंत्र रचना चाहते थे। महाराज, यदि आप विजयनगर पर आक्रमण करते हैं तो हम आपका साथ देंगे। आक्रमण के पश्चात जब आप विजयी होंगे तो विजयनगर की राजगद्दी आप हमें सौंप देंगे। किंतु मैं उचित अवसर और साक्ष्य की प्रतीक्षा में था। अरे तुम्हें क्या पता, उससे पहले भी ना जाने कई बार तुम्हारे और विजयनगर के विरुद्ध हमने कई षड्यंत्र रचे और तुम्हें भी कई बार मारने का प्रयत्न किया, पर हर बार तुम बच गए। हम वापस आएंगे पंडित रामाकृष्ण और प्रतिशोध लेंगे। सैनिकों, ले जाओ इसे। अद्भुत पंडित रामाकृष्ण, अद्भुत। 20 वर्ष की लंबी अवधि बीत गई परंतु आप में कोई परिवर्तन नहीं आया। आज भी वही बुद्धि, वही चातुर्य और उसी बुद्धि और चतुरता का परिचय देते हुए आपने आज प्रलयंकर जैसे राजद्रोही को दंड दिलवाया। सत्य कहूं तो विजयनगर राज्य और हम आपको पाकर धन्य हैं। और ये बात केवल एक राजा ही नहीं, एक मित्र भी कह रहा है। हमारे प्राणों की रक्षा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज, आपसे भी हम क्षमा चाहते हैं। हमने धोखे से आपके भूमि पे अधिकार करना चाहा। महाराज शुभांशु, यही तो है भारत। इतिहास साक्षी है, भारतवर्ष ने आज तक कभी भी किसी देश पर पहला आक्रमण नहीं किया, कभी भी किसी राज्य की सीमा का उल्लंघन नहीं किया, कभी किसी दूसरे देश या राज्य की भूमि पर अधिकार करने का प्रयत्न नहीं किया। और इसीलिए हमारे देश के विषय में कहा जाता है महाराज कि हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तंदेव निर्मितम देशम भारतम प्रचक्षते। अर्थात हिमालय पर्वत से लेकर भारतीय महासागर तक फैला हुआ ईश्वर निर्मित देश है भारत, जहां समय समय पर स्वयं ईश्वर जन्म लेते हैं और संस्कृति की स्थापना करते हैं। हमारी तो संस्कृति है कि अतिथि देवो भव। हमारे लिए अतिथि स्वयं भगवान के समान होता है, तो भला हम भगवान पर आघात कैसे होने दे सकते थे। हमारे महाराज बहुत शर्मिंदा है, ये आपको वचन देते हैं अब से हिमडोंग विजयनगर के सबसे अच्छे मित्र सिद्ध होंगे। होना भी चाहिए। और विजयनगर की भूमि भी विजयनगर को वापस देते हैं। इस अनुबंध पत्र को समाप्त करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक क्षण, और ये रहा वो अनुबंध पत्र जिस पर आपके हस्ताक्षर है।
वैसे मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आपके चरण जहां जहां पड़ेंगे उसके नीचे की एक गज भूमि विजयनगर की। नहीं होगी। हा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